नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी खुद दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। कल ही मीटिंग की गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। आपको पता है कि लॉकडाउन लगाने की मांग कई तरफों से चल रही थी। एक तरफ जहां IMA की तरफ से कहा गया था कि कम से कम 10 दिनों का लॉकडाउन तो बिहार में लगना ही चाहिए, दूसरी ओर व्यापारी संगठनों ने भी इसमें हामी भरी थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए। और अब खबर निकल कर आई है कि 15 मई तक यानी कि 10 दिनों का लॉकडाउन बिहार में लगने जा रहा है। नीतीश कुमार ने क्या ट्वीट किया है वो भी आपको बताते हैं। लिखते हैं कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। तो अब क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो चीज़ों का फैसला करने वाली है कि किस तरह से चीज़ों को किया जाएगा, कौन सी गतिविधियों को चालू रखा जाएगा, किस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन सभी चीज़ों का फैसला आज आपदा प्रबंधन समूह करने वाला है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठक करेगा, उसमें उसके बाद फैसला निकल कर आएगा कि बिहार में क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या बंद हो जाएंगी। तो 5 तारीख से चीज़ें लागू हो जाने वाली है। 10 दिनों के लॉकडाउन की बात जैसे कि कही जा रही थी, आपदा प्रबंधन विभाग के हाथों में है अब फैसला कि किन चीज़ों को खुला रखना है, किन चीज़ों को बंद रखना है, क्योंकि हालात को देखते हुए ही ये सारी चीज़ें जो है वो तय की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का फैसला ले लिया है। कल बैठक हुई थी, कल से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार में लॉकडाउन हो सकता है और आज ये फैसला हो चुका है कि बिहार में लॉकडाउन होगा। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक, उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल 15 मई तक, हालात को देखते हुए आगे के भी फैसले लिए जा सकते हैं, इसके लिए सभी को तैयार रहने की जरूरत है। 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका और अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। कल ही बैठक हुई थी जिसके बाद उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से भी संपर्क साधा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि किस तरह के हालात हैं बिहार के अलग अलग ज़िलों के। हालांकि बिहार की रिकवरी दर भी बेहतर होती जा रही है, लेकिन जिस तरह से हर दिन मामले निकल कर आ रहे हैं, लॉकडाउन एक बहुत बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है सरकार के द्वारा। और देखने वाली बात ये होगी कि आगे आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, किन किन चीज़ों को चालू रखने की बात कही जाती है। ये सारी चीज़ें जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी बात ये है कि बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा चुका है। आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहिए कि 15 मई तक बहुत चीज़ें बंद हो सकती हैं। घरों में आप सुरक्षित रहें क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तमाम अपडेट्स के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।